Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello everyone, today we will work in two subjects. First in English reading book and second in Hindi notebook. We will start from English reading book. And students, this is your English reading book. Milestone primer. And now we are on page number 19. और अब हम आपकी English reading book के page number 19 पर हैं. And our today's topic is use of a and an. Use of a and an. आज का जो हमारा topic है वो है use of a and an. ए और एन का यूज कहाँ कहाँ पर होता है ये हमें आज सीखना है. ठीक है ना, ये हमारी बुक में आज का टॉपिक है हमारा यूज ऑफ ए एंड एन. ठीक है बच्चों, तो इसको हम एक गेम के थ्रू सीखेंगे कि हमें ए का यूज कहाँ पे करना है और एन का यूज कहाँ पे करना है. तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी. आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में वॉवल्स पढ़े हैं, है ना, पढ़े हैं ना वॉवल्स. तो कौन मुझे बताएगा कि वॉवल्स कितने होते हैं? यस यस, वेरी गुड. कितने वॉवल्स होते हैं? फाइव वॉवल्स होते हैं. कौन कौन से मुझे बताएंगे वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? यस, स्टार्ट करेंगे. ए, ई, राइट, आई, ओ, यू, है ना, फाइव वॉवल्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? ए, ई, I, O, U, ठीक है. अल्फाबेट्स जो होती है हमारी A to Z, उनमें ये जो फाइव लेटर होते हैं A, E, I, O, U, ये क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं. ठीक है, और उसके अलावा जो और हमारे लेटर होते हैं जैसे B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, ठीक है ना. तो ये सारे लेटर क्या होते हैं? इन्हें बोलते हैं कॉन्सोनेंट. ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट. तो ये ध्यान रखेंगे कि फाइव होते हैं वॉवल्स और उसके अलावा जो भी लेटर होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं आपसे कुछ पूछूंगी कि जब आप कोई गेम खेलते हैं तो आप अपने फ्रेंड के साथ खेलते हैं, है ना. जब आप कोई गेम खेलते हैं या स्कूल में या घर पे जब आप कोई गेम खेल रहे होते हैं तो आप अपने फ्रेंड के साथ खेलते हैं. ठीक है, तो मुझे आप अपने फ्रेंड का नाम बताएंगे कि आपके फ्रेंड का क्या नाम है. तो चलिए पहले मैं आपको अपने फ्रेंड का नाम बताती हूँ. ठीक है ना, मेरे फ्रेंड का नाम है मनु. ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि आपके फ्रेंड का नाम क्या है. यस, वेरी गुड, बताइए बताइए. किसी के फ्रेंड का नाम हो सकता है गीतिका, है ना, किसी के फ्रेंड का नाम हो सकता है विपुल, किसी के फ्रेंड का नाम हो सकता है श्रेया, किसी का सुम्मी, किसी का कृतिमा, किसी का रिद्धिमा, राइट. तो ये सारे आपके फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप गेम्स खेलते हैं, राइट. तो अभी हमें मुझे मैं आपको एक बात बताऊंगी. ठीक है, क्या बताना चाह रही हूँ मैं आपको कि जो हमारे वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो फाइव हमारे वॉवल्स होते हैं इनका फ्रेंड कौन होता है? इनका फ्रेंड होता है ए, एन, एन. ठीक है, कौन होता है इनका फ्रेंड? ए, एन, एन. ठीक है बच्चों, उसके अलावा जो बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, जो ये लेटर होते हैं हमारे, इनका फ्रेंड होता है ए. ठीक है, इनका फ्रेंड कौन होता है? ए होता है. तो जब भी क्या होता है, जो वॉवल्स होते हैं जब वो शुरू होते हैं तो वो अपने फ्रेंड के साथ आते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शुरुआत करते हैं, तो उनका फ्रेंड कौन है? ए, एन, एन. ठीक है, और जब कॉन्सोनेंट आते हैं तो वो किसके साथ शुरुआत करते हैं? ए के साथ. ठीक है, तो इसका मतलब जब हमारी कोई भी स्पेलिंग ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होगी तो उनसे पहले उनका फ्रेंड आएगा. उनका फ्रेंड कौन है? ए, एन, एन. ठीक है, और जब हमारी कोई भी स्पेलिंग बी, सी, डी यानी कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगी तो उनका फ्रेंड आएगा उनसे पहले, तो उनका फ्रेंड कौन है? ए. ठीक है,
तो ये ध्यान रखेंगे कि कॉन्सोनेंट से पहले उनका फ्रेंड आएगा ए और वॉवल से पहले उनका फ्रेंड आएगा एन। ठीक है, तो जब हमें कोई स्पेलिंग लिखनी होगी चाहे वो वॉवल्स की होगी तो हम उससे पहले लिखेंगे उसके फ्रेंड का नाम लिखेंगे एन, और जब कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग हमें लिखनी होगी तो हम उसके फ्रेंड का नाम लिखेंगे ए। ठीक है, ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। तो अब हम नीचे एक्सरसाइज के थ्रू देखेंगे कि हमें कैसे कैसे ए और एन का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें स्पेलिंग दी गई है वो है सी ओ डब्ल्यू काव, सी ओ डब्ल्यू काव। अब आपने देखा कि यहाँ पे ऊपर लिखा है रीड अलाउड एंड लर्न, आपको क्या करना है रीड करना है लाउड, ठीक है ना, और उन्हें सीखना है उनको पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक साइड ए लेटर दिया है और एक साइड एन दिया है। ठीक है, तो एक साइड ए जो मैंने बताया था आपको कॉन्सोनेंट के फ्रेंड का है और एक साइड एन वॉवल्स के फ्रेंड के नेम है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं सी ओ डब्ल्यू काव, तो सी है सबसे पहले ना, काव में सी, तो सी क्या होता है, सी होता है कॉन्सोनेंट। ये देखिए ऊपर सी होता है कॉन्सोनेंट, ठीक है ना, वॉवल्स में नहीं आता है सी, वॉवल्स तो हमारे फाइव ही होते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है, लेकिन ये तो सी है, ठीक है ना, तो ये है कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट का फ्रेंड कौन सा होता है, मैंने बताया था ना आपको कॉन्सोनेंट का फ्रेंड होता है ए। ठीक है, तो यहाँ पे सी ओ डब्ल्यू काउ से पहले उनका फ्रेंड आ गया है ए, राइट, समझ में आया आपको। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, यहाँ पे बस की पिक्चर बनी हुई है बी यू एस, बस लिखा है, ठीक है ना, अब बी भी हमारा क्या होता है कॉन्सोनेंट होता है, ये देखिए ऊपर, क्योंकि वॉवल्स तो फाइव होते हैं ए ई आई ओ यू, अब ये वॉवल्स में नहीं है तो ये भी कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट का फ्रेंड कौन होता है ए होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी बी यू एस से पहले हमने ए लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, ए आया है बुक में। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है यहाँ पे रोज की, आर ओ एस ई रोज, ठीक है ना, रोज मीन्स क्या होता है गुलाब, ठीक है, गुलाब का फूल देखा होगा आप सभी ने, तो आर से शुरू हो रहा है, अब आर भी कॉन्सोनेंट है, वॉवल्स नहीं है, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट का फ्रेंड क्या कौन सा होता है ए होता है, तो उससे पहले ए आ गया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है लैम्प, एल ए एम पी लैम्प, लैम्प एक तरह का लाइट होता है, ठीक है ना, इसमें लाइट जल रही होती है, हम इसको पढ़ने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो एल ए एम पी लैम्प। अब एल किससे शुरू हो रहा है, ये भी कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है, ठीक है ना, हम उसका पहला लेटर देखेंगे, जब भी कोई स्पेलिंग है उसका पहला लेटर देखेंगे कि वो वोवल से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट से, ठीक है ना, अगर वो वोवल से शुरू हो रहा होगा तो हमें वोवल उसके फ्रेंड का नेम लिखेंगे आगे, और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा होगा तो उसके फ्रेंड का। अब ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो इसलिए हमने इसके फ्रेंड का लिख दिया यहाँ पे लेटर ए, राइट। अब नेक्स्ट इधर चलते हैं, यहाँ पे ओ डब्ल्यू एल आउल, ठीक है ना, ओ डब्ल्यू एल आउल माने उल्लू, ठीक है, अब ओ देखेंगे आप, ओ क्या होता है वॉवल होता है ना, ए ई आई ओ, ओ वॉवल में आता है, तो वॉल के फ्रेंड का क्या नेम होता है, वॉल के फ्रेंड का नेम होता है एन, ठीक है, तो उससे पहले उसके फ्रेंड का नाम आ गया ए एन एन, ठीक है, तो ए एन एन वॉ एन आउल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे पिक्चर दिख रही है आपको, अम्ब्रेला बोलते हैं इसको, अम्ब्रेला मीन्स छाता, ठीक है ना, यू एम बी आर ई डबल एल ए अम्ब्रेला, ठीक है ना, अब ये देखिए आप यू से शुरू हो रहा है यहाँ पे, तो यू भी वॉवल होता है ए ई आई ओ यू, तो यू के वॉवल के फ्रेंड का नेम आ गया यहाँ पे ए एन एन, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है आपकी यहाँ पे ऑरेंज, ठीक है ना, ऑरेंज मीन्स संतरा, ओ आर ए एन जी, ये क्या होता है फ्रूट होता है जो हम खाते हैं संतरा, ये भी वॉवल से शुरू हो रहा है, ओ वॉवल होता है, ठीक है ना, तो उसके फ्रेंड का नेम आ गया आगे ए एन एन, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है यहाँ पर एप्पल की, है ना, एप्पल सभी को पता है सेब जो हम खाते हैं, ठीक है, ए डबल पी एल ई एप्पल, अब ये भी देखेंगे आप ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, ए वॉवल होता है, ठीक है, तो उसके आगे उसके फ्रेंड का नेम आ गया ए एन एन,
राइट स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ए और एन का यूज हमें किस तरीके से करना है। एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 20 और अब हम आपकी रीडिंग बुक के पेज नंबर 20 पर हैं। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 20 पर आपको ए और एन से रिलेटेड एक्सरसाइजेस दी गई हैं, ये हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपको ए और एन का यूज करके उनको फिल करना है। ठीक है ना, कुछ ब्लैंक्स दिए हैं यहाँ पे, उनको आपको ए और एन लिखकर उनको फिल करना है। राइट, तो चलिए देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें स्पेलिंग पढ़नी है कि वो कौन से लेटर से स्टार्ट हो रही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ए एन टी, आंच। ठीक है, आंट किसको बोलते हैं, चीटी को। अब देखा आपने कि ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए हमारा क्या होता है, वॉवल होता है ना। तो वॉल का फ्रेंड कौन होता है, मैंने बताया था ना आपको, ए एन एन। ठीक है, तो हम यहाँ पे इससे पहले लिख देंगे ए एन 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 आंट। राइट, उसके बाद सेकंड पिक्चर है यहाँ पे टी ओ वाई, टॉय। टॉय मीन्स होता है खिलौना। ठीक है, ये टी से शुरू हो रहा है, टी वॉल नहीं होता है ना, वॉल सिर्फ फाइव होते हैं, ए ई आई ओ यू, लेकिन ये तो नहीं है, ये टी है ना। तो ये कॉन्सोनेंट में आएगा। अब कॉन्सोनेंट का फ्रेंड कौन होता है, कॉन्सोनेंट का फ्रेंड होता है ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए लिख देंगे, ए टॉय। राइट, उसके बाद ओ एक्स ऑक्स, ठीक है ना, ऑक्स बोलते हैं बैल को। ठीक है, तो ओ से शुरू हो रहा है, ओ भी वॉल होता है, ठीक है ना, और वॉल का फ्रेंड कौन होता है, ए एन एन। राइट, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ए एन एन लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पिक्चर बनाना की है, अब आपको देखना है इसको, इसको आप करेंगे नीचे बनाना, फिर एलिफेंट और उसके बाद आइसक्रीम। आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट लेटर देखना है कि वो किस से शुरू हो रहा है, वॉल से शुरू हो रहा है या फिर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। ठीक है ना, बस इसका ध्यान रखना है। और फिर अगर वॉल से शुरू हो रहा है तो फिर ए एन एन लिखेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो उसके आगे ए लिखेंगे। राइट, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी यहाँ पे, मैच ए एन एन विथ द करेक्ट रिलेटेड वर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिए गए हैं, नीचे इधर साइड में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इधर और इधर, और बीच में आपको ए और एन दिया गया है। तो आपको क्या करना है, उनको पढ़ के ए और एन से मैच करना है कि कौन सा ए के साथ मैच होगा और कौन सा एन के साथ मैच होगा। तो इसमें भी हमें यही करना है, जो वॉल से स्टार्ट हो रहे होंगे उनको हमें एन से मैच करना है, क्योंकि वॉल्स का फ्रेंड कौन है, एन है, और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे उसके फ्रेंड कौन है, ए, तो उसको हमें ए से करना है। जैसे यहाँ पे यू एम पी आई आर ई, अम्पायर। ठीक है, अम्पायर, तो ये यू से स्टार्ट हो रहा है, वॉल है, तो हमें इसको किससे करना है, एन से मैच करना है, तो हम इसको ए एन एन से मैच कर देंगे। उसके बाद एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, फ्लावर। फ्लावर मीन्स फूल। अब ये एफ से स्टार्ट हो रहा है, ये वॉल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का फ्रेंड ए होता है। ठीक है ना, तो हम उसके फ्रेंड के साथ उसको मैच कर देंगे, ए के साथ। अब यहाँ पे ए डबल एल आई जी ए टी ओ आर, एलीगेटर। ठीक है ना, एलीगेटर मगरमच्छ को बोलते हैं, ये ए से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वॉल से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें इसको उसके फ्रेंड एन के साथ मैच करना है। उसके बाद नीचे आर ए डी आई ओ, रेडियो। रेडियो एक क्या होता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें सॉन्ग्स आते हैं, ठीक है ना, सॉन्ग्स, न्यूज, ये सब इसमें हम सुन सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियो। तो ये आर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट का फ्रेंड कौन होता है, ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ए के साथ मैच कर देंगे। राइट स्टूडेंट, तो देखा आपने कि ए और एन का यूज हमें कैसे करना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको ध्यान से आप देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे कि मैंने आपको क्या बताया है, और उसके बाद आप ए और एन की एक्सरसाइजेस करेंगे अपनी बुक में। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट वर्क पे, जो है हिंदी की नोटबुक में।
एंड नाउ वी आर ऑन योर हिंदी नोटबुक। और अब हम आपकी हिंदी की नोटबुक पर हैं। और हिंदी की नोटबुक में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। ठीक है, ई की मात्रा लगाकर हमें शब्द बनाने हैं। अब आपने देखा अभी हमारा, मैंने आपको इससे पहले छोटी ई की मात्रा के बारे में बताया था कि छोटी ई की मात्रा कैसी होती है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि ये छोटी ई की मात्रा है, ठीक है ना। छोटी ई की मात्रा का यूज करके हमें शब्द बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे। नंबर वन, ठीक है, नंबर वन पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले छोटी ई की मात्रा बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये एक, यहाँ पे आपको एक साइन दिख रहा है, ये साइन है ऐड का, या फिर प्लस भी बोलते हैं इसको, या फिर ऐड बोलते हैं इसको, हम हिंदी में बोलते हैं जोड़ना, ठीक है। उसके बाद लिखा है द, उसके बाद फिर ये साइन दिख रहा है आपको, इसका मतलब जोड़ना, और फिर लिखा है न, ठीक है। अब हमें करना क्या है, आप देख रहे हैं कि छोटी ई की मात्रा हम देखेंगे कि कौन से अक्षर से पहले है। अब ये द से पहले है छोटी की मात्रा, तो ये द के आगे लगेगी, ठीक है ना। द से पहले है तो इसलिए द के पहले लगेगी। तो हमें कैसे लिखना है इसको, सबसे पहले द, द से पहले है ना छोटी की मात्रा, तो उसके आगे हम छोटी की मात्रा लगा देंगे दी, क्या बन जाएगा ये दी। और फिर उसके बाद क्या लिखना है उसमें, द के साथ क्या जोड़ देना है, न। ये जो साइन है इनका मतलब होता है जोड़ना। तो सबसे पहले हमें छोटी की मात्रा किसके साथ जोड़नी है, द के साथ, फिर उसके साथ क्या जोड़ना है, न, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये न, दी न, दिन, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर है र। अब आप देख रहे हैं कि इससे पहले आपको मात्रा नहीं दिख रही है, सबसे पहले इसका मतलब हमें क्या लिखना है, र लिखना है यहाँ पे, ठीक है, र लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे ये प्लस का साइन है एड का, इसके साथ हमें क्या जोड़ना है, छोटी की मात्रा जोड़नी है, ठीक है, किसके साथ, अब ये व से पहले है, ठीक है ना, व लिखा है उससे पहले छोटी की मात्रा है, तो इसका मतलब व के साथ हमें छोटी की मात्रा लगानी है। र के पहले होती तो र के साथ लगानी होती, लेकिन ये व के पहले है इसलिए हमें व के साथ लगानी है, ठीक है ना। तो व और व से पहले हम यहाँ पे छोटी की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा वी, ठीक है ना, र वी, रवि, राइट। उसके बाद थर्ड नंबर पे आएंगे, थर्ड नंबर पे देखेंगे सबसे पहले हमें छोटी की मात्रा दिख रही है, उसके बाद एड है, उसके बाद त, इसका क्या मतलब हुआ कि छोटी की मात्रा को हमें किसके साथ जोड़ना है, त के साथ, क्योंकि त से पहले है, ठीक है। तो सबसे पहले हम त लिखेंगे और उसके आगे हमें छोटी की मात्रा लगानी है, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी अक्षर से पहले जो मात्रा लगती है वो छोटी की मात्रा होती है। तो ये हो गई ती, और उसके बाद हमें उसमें त के बाद क्या जोड़ देना है उसके साथ, ल, तो बन जाएगा ती ल, तिल, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है, अब सबसे पहले लिखा है क, ठीक है, तो क लिख देंगे, उसके बाद एड, जोड़ना क्या है, छोटी की मात्रा किसके साथ जोड़नी है, व के साथ, क्योंकि व से पहले है, क से पहले नहीं है, व से पहले है, तो इसलिए व के साथ जोड़नी है, ठीक है ना। तो व के साथ छोटी की मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा वी, क वी, कवि, राइट। तो देखा आपने बच्चों कि किस तरीके से हम छोटी की मात्रा को जोड़कर हमने ये शब्द बनाए। नीचे आपको 5, 6, 7, 8, ठीक है ना, 8 तक के ये मैंने दिए हुए शब्द बनाने को। 4 मैंने आपको बताए हैं कि कैसे बनाने हैं, उसके बाद 5, 6, 7, 8 आप खुद बनाएंगे, ध्यान से इन्हें देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है कि कौन हमें देखना है कि कौन से अक्षर से पहले हमें छोटी की मात्रा लगानी है। जैसे यहाँ पे द से पहले थी तो हमने द के आगे लगाई, ठीक है ना, यहाँ पे त से पहले थी तो त के साथ लगाई, यहाँ पे व से पहले थी तो व के साथ लगाई, ठीक है ना। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि किसके पहले हमें छोटी की मात्रा लगानी है, उसको ध्यान से देखेंगे और फिर उसको छोटी की मात्रा का यूज वहां पर करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको ये छोटी की मात्रा की एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करनी है ध्यान से, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। आई होप यू एंजॉयड आवर वीडियो, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।